सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, Redmi Realme की तरह अच्छे क्वालिटी के फोन लाता है Infinix, और Infinix हाल ही में एक फोन लाया है, वो है Infinix Hot 7 Pro। इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका रैम, 6GB रैम आपको इस फोन में देखने को मिलेगा, वो भी 10,000 के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं आज Infinix Hot 7 Pro फोन के बारे में टोटल डिटेल्स, यानी कि इसका फुल स्पेसिफिकेशन क्या होने वाला है और ये फोन क्या आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होता है या नहीं होता है। चलिए चालू करते हैं। दोस्तों, पहले आते हैं इस फोन के डिस्प्ले को लेकर। इस फोन में जो आपको डिस्प्ले मिलेगा वो मिलेगा 6.19 इंच के HD प्लस डिस्प्ले, वो भी नॉच के साथ। ये जो डिस्प्ले होगा IPS LCD डिस्प्ले होगा। Infinix का डिस्प्ले अच्छा होता है, पंची कलर भी देखने को मिलता है, और 700 पूरी रेजोल्यूशन में जो आएगा यानी कि HD प्लस में जो आएगा, इसमें आपको कलर भी अच्छा देखने को ही मिलेगा, क्योंकि Infinix के डिस्प्ले अच्छी क्वालिटी का ही होता है। अभी आते हैं इस फोन के प्रोसेसर को लेकर। इस फोन में जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है वो एक साल का पुराना है, मगर प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है। इसमें जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा MediaTek Helio P22। ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, ये 2 GHz में क्लॉक स्पीड है, यानी कि अच्छे क्वालिटी का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर है और प्राइस के हिसाब से ये प्रोसेसर एकदम ठीक ठाक है। और इस फोन में जो वेरिएंट देखने को मिलेगा, 6GB रैम के वेरिएंट देखने को मिलेगा और रोम रहेगा 64GB। पहली बार ऐसा कोई फ़ोन आ रहा है जिसमें 6GB रैम और 64GB रोम है, वो भी 10,000 के नीचे। ये एक हाईलाइट है इस फोन में। देखा जाए तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी ठीक ठाक है और उसके साथ जो प्राइस है वो भी एकदम सही है। दोस्तों, अभी आते हैं इस फोन के बिल्ड क्वालिटी को लेकर। इसका बिल्ड क्वालिटी क्या होगा? ये जो फोन होगा टोटल मेटल बॉडी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी 10,000 के नीचे फोन में मेटल बॉडी देखने को नहीं मिलता है, मगर Infinix उसके जो फोन ला रहा है Hot S Pro, उसमें आपको जो बॉडी दे रहा है वो है मेटल बॉडी दे रहा है, और इसमें आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाएगा पीछे। यानी कि देखा जाए तो फिजिकल जो ओवरव्यू आपके जो फ़ोन का होगा वो अच्छा क्वालिटी का होगा, क्योंकि अभी ज़्यादातर फ़ोन में प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलता है 10,000 के नीचे, मगर 10,000 के नीचे Infinix उसमें दे रहे मेटल बॉडी, ये एक अच्छी चीज़ है। इसके लिए थम्स अप Infinix को, क्योंकि Infinix मोबाइल के बिल्ड क्वालिटी के ऊपर भी ख्याल रखा है। दोस्तों, अभी आते हैं इस फोन के कैमरा को लेकर। इस फोन में जो कैमरा आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 4 कैमरा देखने को। रियर में जो कैमरा रहेगा वो रहेगा 2, उसमें रहेगा 13 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का। 13 मेगापिक्सल का जो कैमरा रहेगा वो मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा रहेगा वो डेप्थ सेंसिंग के लिए। और फ्रंट में भी आपको जो कैमरा देखने को मिलेगा वो भी मिलेगा 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। रियर में जो 13 मेगापिक्सल कैमरा रहेगा उसमें अपर्चर रहेगा f1.8 अपर्चर रहेगा, यानी कि अच्छे क्वालिटी के कैमरा इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिलेगा वो आएगा f2.0, यानी कि देखा जाए तो फ्रंट और बैक में जो कैमरा रहेगा वो अच्छा कैमरा ही रहेगा, और दोनों तरफ भी आपको LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाएगा, यानी कि रात में भी आप फोटो लेने के लिए जाओगे तब भी अच्छे क्वालिटी के फोटो आप ले सकते हो इस LED की मदद से। यानी कि देखा जाए तो कैमरा सेगमेंट में भी ये फ़ोन अच्छे क्वालिटी के होने वाला है। अभी आते हैं इस फोन के बैटरी को लेकर। Infinix के ज़्यादातर फ़ोन आता है 4000mAh के बैटरी के ऊपर ही, और ये जो फ़ोन आ रहा है इस फोन में भी 4000mAh बैटरी आपको देखने को मिल जाएगा। और जो लोग Infinix के फ़ोन इस्तेमाल किए उसको भी मालूम है Infinix के एक फ़ोन का बैटरी सही नहीं था, बाकी जितना भी फ़ोन आया है Infinix का बैटरी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, यानी कि 4000mAh बैटरी आपको आराम से 1.5 दिन तक चल जाएगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है जो Infinix की तरफ से आता है, जो बैटरी क्वालिटी Infinix के बहुत ही अच्छा होता है, तो इसी कारण आपको ये फ़ोन में भी जो बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो हर एक जगह पे ये फ़ोन एकदम सही होगा, मगर इसका जो मेन हाईलाइट था वो है 6GB रैम। तो देखा जाए दोस्तों, जो 6GB रैम अभी तक हम लोग जितना भी फ़ोन में देखे 15,000 के नीचे देखा नहीं अभी तक, और जब भी कोई भी फ़ोन में आया है कुछ 13,000 या 14,000 में भी देखा गया है, Redmi Note 6 में या Redmi Note 6 Pro या Note 5 Pro में देखा गया है, मगर वो करीब एक साल पुराना फ़ोन है। मगर ये एकदम नया फ़ोन है, अभी लॉन्च हुआ है,
और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही सही होगा क्योंकि इसमें बहुत से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी डाला हुआ है, तो इसी कारण आपको ये फ़ोन देखने को अच्छा ही मिलेगा। और दोस्तों इस फोन में आपको एंड्रॉयड पाई अपडेट देखने को मिल जाएगा, डुअल 4G भी सपोर्ट करेगा इस फोन में, और बाकी छोटा छोटा जितना भी डिटेल्स है सब आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। इसमें जो सेंसर है हर एक सेंसर इसमें अवेलेबल है। देखा जाए तो स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर से ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है क्योंकि 450 प्रोसेसर से भी ये प्रोसेसर पावरफुल है, तो इसी कारण आप ये फ़ोन ले सकते हो क्योंकि 450 में जितना भी फ़ोन आता है उससे ये फ़ोन अच्छे है। मगर देखा जाए तो 10,000 के नीचे आपको P70 का भी प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, मगर उसमें जो रैम रहेगा 3GB के वेरियंट में रैम आपको देखने को मिलता है, मगर इसमें 6GB की रैम आपको देखने को मिलेगा। ये एक हाईलाइट है और पहली बार ऐसे हुआ है, तो इसी कारण आप ये फ़ोन ले सकते हो। परफॉर्मेंस भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा इस फ़ोन में, और इसका जो कैमरा है इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और इन्फिनिक्स का अपडेट भी ठीक ठाक है, तो आप ये फ़ोन ले सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो फिलहाल इतना ही है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।